अस्सलामुअलैकुम, ये गाय की होजरी है और मैं इसे साफ़ कर रही हूँ और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं इसे किस तरह से साफ़ करती हूँ। इससे पहले मैंने बहुत से पानी से वॉश कर लिया था और अभी मैं गर्म पानी डाल रही हूँ क्योंकि रेत बहुत होती है, तो सिर्फ रेत को निकालने के लिए। और ये जो ब्लैक खाल है इसके ऊपर से ये भी उतर जाएगी इसमें से, और जैसे जैसे मैं साफ़ करूँगी और आपको मैं दिखाऊँगी, और जब मैं इसे पकाऊँगी मैं वो भी रेसिपी डालूँगी इसमें। तो चलिए बनाना स्टार्ट कर साफ़ करना स्टार्ट कर दें। इस वाले हिस्से में मेहनत ज़्यादा होती है, देखिए तौलिया की तरह इसमें खाने बने हुए हैं तो ज़ाहिर है अंदर खाल फंसी गई होती है तो उसमें निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, मगर निकल जाती है, गर्म पानी डालें तो आराम से निकल जाती है। और इसमें रेत भी होती है तो इसलिए इसको अच्छे तरीके से वॉश करना होता है और इसको निकालना होता है। बाकी एरिया जो इसका हिस्सा होता है उसमें इतनी मिट्टी और ये सब खाली होती है, वो बहुत आराम से निकल जाती है, इसलिए इसमें ज़रा मेहनत है। और कुछ हाथ से इस तरह से धोने में, वॉश करने में, और जब इसके पीस होते हैं तो ये कचरा उसमें भी निकल जाता है, ये देखिए हाथ से भी निकल जाता है, खाली कर खाने जाए तौलिया की तरह इस तरह से खाली हो जाते हैं। आराम से निकल रहे हैं। जितनी सेना है तो इतनी से मेहनत है और खाने में बहुत मिली।
ये बहुत मजे की टेस्टी होती है जान। और इसको भी खाएंगे। हाँ। ये सब काट के निकालेंगे इसमें से जो भी है ना साइड में से गर्म पानी आएगा ना गर्म पानी से सब निकाल किस चीज का ओजरी है ये ओजरी को मैंने साफ करके और वॉश कर लिया अच्छी तरह बहुत से पानी से निकाला है मैंने इसे वॉश किया और इसके कटिंग कर दी मैंने पीस काट लिए हैं छोटे छोटे त्रिकोण चौकोर जो भी बनते हैं इस तरह से और अभी मैंने तो साफ़ किया और अब मैं इसे चढ़ाऊँगी उसकी वीडियो मैं बाद में डालूँगी। सफाई वाली वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपनी दुआ में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।